तमाम लोगों से इल्तिजा की जाती है कि वो अपनी अपनी फेस मास्क लगाए, फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना आयद किया जाएगा और कोविड SOPs का सख्ती से पालन कीजिए। जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की है उनको बाग में आने की इजाजत होगी और जिनके पास नेगेटिव रैड टेस्ट या नेगेटिव RT-PCR का रिपोर्ट होगा प्रेयर टू 48 आवर्स एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी इनसाइड द गार्डन विल बी अलाउड टू सिट ओनली फॉर 2 आवर्स। दोज पीपल हु हैव वैक्सीनेटेड देमसेल्व्स विल बी अलाउड टू एंटर इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द गार्डन एंड द पीपल हु हैव नेगेटिव रैड टेस्ट और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट विल आल्सो बी अलाउड एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी इनसाइड द गार्डन विल बी अलाउड टू सिट ओनली फॉर 2 आवर्स By order of Honorable District Magistrate Srinagar। COVID-19 के बाद जो significant dip देखा गया है, जो cases कम होते जा रहे हैं, COVID-19 के cases जो कम होते जा रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर administration ने ये फैसला लिया है कि जो भी paid और unpaid parks है उनको खोलने की इजाजत अब दे दी गई है। लोग सुबह से ही देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर जो parks की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही कुछ और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो RT-PCR टेस्ट जिसका नेगेटिव आया होगा वही यहाँ पर पार्क्स में एंटर कर सकते हैं और जो वीकेंड्स लॉकडाउन है उनको फॉलो करने की भी तरकीब दी गई है। और साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि पार्क्स में सैनिटाइजर्स मास्क यूज़ करना लाजमी बन गया है और जो गवर्नमेंट की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि पार्क्स में वही लोग आ सकते हैं जिनके टेस्ट है वो नेगेटिव आए होंगे। साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि अगर कोई वायलेशन करता हुआ नजर आया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको बिल्कुल जुर्माना देना पड़ेगा। और वीकेंड लॉकडाउन्स की मैं बात करूंगा, पार्क्स बिल्कुल सैटरडे संडे बंद रहेंगी क्योंकि गवर्नमेंट के नए जो ऑर्डर्स निकले हैं उसमें RT-PCR जो नेगेटिव आया होगा, जो जिनके टेस्ट नेगेटिव आए होंगे वही पार्क्स में एंटर कर सकते हैं और अगर किसी ने ये टेस्ट नहीं कराए होंगे तो उनके लिए यहाँ पर रैपिड टेस्ट का भी इंतजाम रखा गया है। फिरदौस लाइव विद जानान वानी, JK News Today।